बहुत ज्यादा स्किनी है या आप बहुत ज्यादा लीन है और आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तो हम लोग अपनी हमें अपनी डेली डाइट में बहुत ज्यादा ऐसा हेल्दी फूड चाहिए होते हैं या ऐसा फूड चाहिए होता है जिसकी जिसमें कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा हो, हमें ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें अपने डेली फूड के साथ साथ ऐसी स्नैक्स भी चाहिए होती है जो हेल्दी हो और उनकी कैलोरीज है वो भी हमारी डेली रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी ज्यादा हो। तो इस तरह की हेल्दी स्नैक्स या हाई कैलोरी स्नैक्स की तरफ अगर हम चाहें तो यू कैन गो विद बनानास। आप बनाना यूज कर सकते हैं, बनाना एक अच्छा जो है वो हेल्दी फ्रूट है, आप वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन गो विद बॉइल्ड एग्स, आप बॉइल्ड एग की तरफ जा सकते हैं। आप पनीर यूज कर सकते हैं, यू कैन गो विद पीनट्स, जैसे आजकल सीजन नहीं है तो आप पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डार्क चॉकलेट्स यूज कर सकते हैं, आप हैंडफुल ऑफ नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स आप डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। आप डिफरेंट मिल्क शेक्स या स्मूदीज का यूज कर सकते हैं। मिल्क शेक में आप यू कैन गो विद बनाना शेक और डेट्स शेक, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा आप अपनी फैट लॉस जर्नी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप फैट लॉस जर्नी में आपके पास पॉपकॉर्न एक स्नैक्स का बहुत अच्छा ऑप्शन है। पॉपकॉर्न जो है वो लेस कैलोरीज में हाई वॉल्यूम फूड है, जो आपको इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें फाइबर मिलता है जो आपको पूरा दिन जो है वो फुल रखता है, और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है, और पॉपकॉर्न में बहुत अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और उसके अलावा अगर आप अपने फैट लॉस जर्नी की तरफ जा रहे हैं तो यू कैन गो विद द कबाब, उसमें एक प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। आप पानी का वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, आप फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स में अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, जैसे एप्पल्स हो गए, एवोकाडोज हो गए, नाशपाती, पीच, इस तरह के सीजनल फ्रूट्स आजकल जो भी हैं, वाटरमेलन इज द बेस्ट चॉइस। आप फ्रूट्स को यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि फ्रूट्स को अपने मील्स के साथ लेते हैं, बट फ्रूट इज अ गुड स्नैक। आप कोशिश करें कि अपने खाने के दरमियान में जो स्नैक का टाइम होता है उसको एज अ स्नैक यूज करें। फ्रूट जो है एक बहुत अच्छा स्नैक के लिए ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम लोगों का मोस्टली ये होता है कि हम लोग चाय का स्नैक्स हम लोग अपने चाय के बगैर जो है वो नहीं लेते हैं, तो आप चाय यूज कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि चाय में आपके दूध जो है वो कम हो और पानी की मिकदार थोड़ी ज्यादा हो। बहुत ज्यादा दूध से बनी हुई, बहुत ज्यादा दूध पत्ती वाली इस तरह की हम चाय यूज करते हैं, वो चाय आप अपने स्नैक में ना यूज करो। आप थोड़ा पानी की मिकदार को ज्यादा और दूध की मिकदार को कम रख के आप चाय एज अ स्नैक ले सकते हैं। उसके साथ यू कैन गो विद बिस्किट्स, जो कि जिनमें फैट्स की अमाउंट कम हो, शुगर कम हो, शुगर फ्री बिस्किट्स की तरफ आप एक दो साथ में एज अ स्नैक यूज कर सकते हैं। और अपने वेट लॉस जर्नी में आप रोस्टेड चना यानी कि भुने हुए जो काले चने होते हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, वो भी लेस कैलोरीज में हाई वॉल्यूम फूड है, एंटी ऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू।